वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज टैक्सोनॉमिकल एज्स। इन द टैक्सोनॉमिकल एज्स देखो, हमने पढ़ी थी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है आइडेंटिफिकेशन, देन हमने पढ़ी टैक्सोनॉमिक हायरार्की एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ा। टैक्सोनॉमिक एज्स क्या होते हैं? सपोज करो मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैंने कोई न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है, देन मुझे टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होंगे वो हेल्प करेंगे इन माय टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक एड्स वो चीज होते हैं जो हेल्प करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द बोटैनिकल गार्डन। अब अगर कोई भी स्टूडेंट है बॉटनी का, बॉटनी में वो रिसर्च कर रहा है, वो बोटैनिकल गार्डन जाएगा। बोटैनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वेरियस प्लांट्स को वो देखेगा। वेरियस प्लांट्स को देखने के बाद वो हर एक प्लांट के बारे में डिटेल में पढ़ सकेगा। सी व्हाट इज बोटैनिकल गार्डन। द बोटैनिकल गार्डन इज बेसिकली अ प्लेस वेयर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन टू प्रोवाइड नॉलेज टू द पीपल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक स्टडी। बेसिकली यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी आना था। सॉरी, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम्स एंड साइंटिफिक स्टडी में हेल्प करता है, क्योंकि हम बोटैनिकल गार्डन में कोई भी प्लांट देखते हैं तो उसकी जो हायरार्की है सारी लिखी होती है, कौन से किंगडम में है ये प्लांट, कौन सी क्लास, कौन सी ऑर्डर में, क्या क्या जीनस है, क्या स्पीशीज है। ठीक है, रिलेटेड जीनस भी एक साथ रखे होते हैं और रिलेटेड स्पीशीज भी एक साथ रखे होते हैं। इंडियन बोटैनिकल गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन का पहले वाला नाम था रॉयल बोटैनिकल गार्डन, बहुत पुराना नाम था। अब उसका नाम चेंज होके आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन हो गया है। दिस इज वेरी फेमस बोटैनिकल गार्डन। इसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग फैक्ट पता लगने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। याद रखना है जगदीश आचार्य, रॉयल बोटैनिकल एंड द इंडियन बोटैनिकल गार्डन इज द सेम। इंडियन बोटैनिकल गार्डन उसका पहले नाम था और उससे भी पहले उसका नाम था रॉयल बोटैनिकल गार्डन एंड अब उसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोटैनिकल गार्डन। हावड़ा, कैलकटा, मतलब कैलकटा का नाम चेंज हो गया, कोलकाता हो गया, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कोलकाता में हावड़ा में ये situated. The famous varieties present over there is Ficus banyanensis. What is this? This is a great banyan tree. इसको बोलते ही great banyan tree है। ये करीब 250 साल पुराना है। 2500 उसके prop roots है। banyan tree आपने देखा होगा, banyan tree के ऊपर से ना roots निकलती हैं। ठीक है, वो अपने रूट्स देखी होंगी उसकी, उन रूट्स का नाम होता है प्रॉप रूट्स, मतलब कि ब्रांचेस में से वो रूट्स निकलती हैं। और ये 14,500 स्क्वायर फुट में सिचुएटेड है। इतनी ज्यादा वो जगह घेर चुके हैं अब तक, इतना मतलब ग्रो किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, क्योंकि ये 250 साल पुराना है। मतलब कील लगा लो आपकी, इंडिया की इंडिपेंडेंस से भी बहुत 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 पुराना। नेक्स्ट इज द पैंडनस, दैट इज मल्टीपल रूट केप एंड इट्स स्टिल्ट रूट्स। उस पे क्या होता है, स्टिल्ट रूट्स लगे होते हैं और ये क्या बनाता है, एक केपिक टेंट जैसी शेप, केप शेप बना लेता है, बेसिकली टेंट जैसी शेप दिस प्लांट। द नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग, दैट इज द वॉटर लिली। वॉटर लिली ऑफ दिस गार्डन इज ऑल्सो वेरी फेमस। इसकी 2.3 meters की लेंथ होती है। कि जो पूरी लिली आपने देखी होगी कि वो क्या होता है, बेसिकली पानी के अंदर ग्रो करती है, वो इतनी ज्यादा बड़ी दिखती है। विक्टोरिया अमेजोनिका इसका नाम है। अदर फेमस गार्डन्स आर द रॉयल बोटैनिकल गार्डन, क्यू यूके, इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये सिचुएटेड है, क्यू में। क्यू इज द नेम ऑफ द प्लेस। क्यू बोटैनिकल गार्डन भी बोल दिया जाता है, रॉयल बोटैनिकल गार्डन भी बोल दिया जाता है। इसको पहले हमारा जो इंडियन बेसिकली इज नोन टू बी कि
अंग्रेजों के टाइम पे इंडियन बोटैनिकल गार्डन का नाम रॉयल बोटैनिकल गार्डन था, फिर उन्होंने अपना मतलब कि रॉयल बोटैनिकल गार्डन के नाम पे रखा हुआ. देन इज अ नेशनल बोटैनिकल गार्डन दैट इज सिचुएटेड इन लखनऊ. ठीक है, थ्री बोटैनिकल गार्डन्स के बारे में पढ़ा है. बोटैनिकल गार्डन होता क्या है? एक गार्डन होती है, एक प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे बोटैनिकल प्लांट्स देखने को मिलते हैं विद देयर साइंटिफिक नेम एंड देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, हमारा जो इंडियन बोटैनिकल गार्डन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीश आचार्य वाला, एंड उसमें बहुत फेमस स्पीशीज के भी नाम है. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ ग्रेट बैनियन ट्री, उसके बाद जो वाटर लिली है, उसके बाद पेंडुलस. नाउ लेट मी शो यू एवरीथिंग. सी, जो फर्स्ट इमेज आपको दिख रही है वो है नेशनल बोटैनिकल गार्डन की. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ नेशनल बोटैनिकल गार्डन दैट इज सिचुएटेड इन लखनऊ. Next, this image is of Acharya Jagdish Chandra Bose Botanical Garden that is situated in Howrah in Kolkata. And the third image hai, this is of Kew Garden. Kew Garden that is located in UK or England. The Tino hi gardens are very beautiful hai, and they are really, really beautiful botanical gardens. See, ये दिख रही है आपको, ये है वॉटर लिली विक्टोरिया अमेजोनिका जिसकी लेंथ है अबाउट 2.5 मीटर्स. ये कहां पे प्रेजेंट है? जगदीश आचार्य बोटैनिकल गार्डन में और द इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो हौड़ा लखनऊ में, हौड़ा कोलकाता में प्रेजेंट है. सी दिस वॉटर लिलीज आर सो बिग, सो amazing and so unique. हमारे इंडिया में भी ऐसी यूनिक चीजें देखने को मिल सकती हैं. Next, this is the whole banyan tree. ये सारी जो जगह आपको दिख रही है, this is the banyan tree. Okay? ये जो banyan tree है, इसकी जो आपको दिख रही है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत सारे पेड़ हैं जो ग्रो किए हुए हैं. These are not the trunks of the trees. These are the prop roots. जो roots नहीं निकलती हैं banyan tree से, ये वो वाली roots हैं सारी. These are the prop roots that arise from the banyan tree. These are the adventitious roots basically. इसमें 2500 prop roots हैं and ये जो है there is almost very big 4.5 acres of जमीन पे ये सारा banyan tree है जो बिछा हुआ है. That is present in the हौड़ा बोटैनिकल गार्डन. नाउ अवर नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज द जूलॉजिकल गार्डन और जू, जिसको हम जू बोलते हैं. जू को हम घूमने के लिए भी जाते हैं, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए भी जाते हैं, लोगों को नॉलेज देने के लिए वेरियस वेरियस एनिमल्स के बारे में. ऑफकोर्स अगर कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट वहां पे जा रहा है तो वो घूमने के लिए भी जा रहा है एंड वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी जा रहा है. जो छोटे बच्चे जाते हैं, द चिल्ड्रन दैट चिल्ड्रन जो जाते हैं इन द जू, वो घूमने के लिए भी जाते हैं, न्यू एनिमल्स के बारे में जानने के लिए भी जाते हैं. एंड जूलॉजिकल गार्डन्स ऑन द अदर हैंड आल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ये जूलॉजिकल गार्डन्स. नेक्स्ट इज अबाउट द जू. जू में बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, ये आप सबको पता ही है. ठीक है, लाइक tiger, some birds species, sometimes you are able to see various kind of reptiles. So what is this? Koi pehchan sakta hai? The first thing after seeing this diagram is museum. ye photo, ye dinosaur ki photo dekhne ke baad sabko pata chal jata hai ki ye museum hai. Ji haan, ye museum hi hai. The museum is our next taxonomical aid.
अब देखो, हमने बोटैनिकल गार्डन में के बारे में पढ़ा, हमने जुआलॉजिकल गार्डन के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं म्यूजियम के बारे में. हाउ आर दीज हेल्पफुल? सपोज करो मैंने कोई न्यू स्पीशीज देखी, वो स्पीशीज को मैंने कंपेयर कर लिया जू में जाके, ठीक है, एंड बोटैनिकल गार्डन, अगर प्लांट है तो बोटैनिकल गार्डन में जाऊंगी, अगर एनिमल है तो जू में जाऊंगी, ठीक है. अगर मुझे लग रहा है कि किसी से भी इससे इसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प नहीं मिल रही है, देन व्हाट विल आई डू, आई विल गो टू द म्यूजियम. म्यूजियम में जाके बहुत सारे जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे एक्सटिंक्ट है चाहे लिविंग है, आई कैन कंपेयर दैट माई रिसर्च टू दैट म्यूजियम्स. म्यूजियम्स में क्योंकि बहुत सारे प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज पड़े होते हैं. म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर द प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर केप्ट. दे मे बी ड्राई प्रिजर्व्ड एंड मे बी पिंड. कई बार क्या है, इंसेक्ट्स हो गए, जैसे हम उन्हें इंसेक्ट्स को ड्राई करके प्रिजर्व कर सकते हैं और पिन कर सकते हैं, ठीक है. लार्ज एनिमल्स लाइक दिस डायनासोर, इसके सारे सॉफ्ट टिश्यूज हमने निकाल दिए जिसपे फंगस लगने का, जिसपे डीकम्पोजिशन का डर था. ये सारे हार्ड टिश्यूज है जिसको कोई नुकसान नहीं हो सकता. हार्ड टिश्यूज को भी केमिकल ट्रीटमेंट देने के बाद हम म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखते हैं. म्यूजियम में स्केलेटन्स भी मिल सकते हैं और फॉसिल्स भी मिल सकते हैं. देखो जरूरी नहीं है म्यूजियम में प्लांट्स एंड एनिमल्स भी मिलते हैं. म्यूजियम में हर एक पुरानी चीज मिलती है, हर एक चीज का रिकॉर्ड मिल जाता है. बट ऑफ कोर्स इफ आवर सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, वी विल टॉक अबाउट द बायोलॉजी ओनली. तो इससे ये कंफ्यूजन नहीं करनी है कि म्यूजियम में ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं. ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के कोई डिफरेंट म्यूजियम है, ये है. इन एवरी म्यूजियम देयर मे बी स्पेशलिटी कि किसमें कौन सी चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, बट म्यूजियम में सब कुछ हो सकता है. फ्रॉम द हिस्टोरिक थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, आर्करी, पेंटिंग्स, वॉचेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल्सो, रॉबर्ट्स ऑल्सो, टू द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल्स, ठीक है, और स्पेसिमेंस, म्यूजियम में सब कुछ मिलता है. म्यूजियम में हम क्यों जाते हैं? म्यूजियम में भी हम जाते हैं फॉर अवर एंजॉयमेंट, टू हैव नॉलेज एंड टू हैव एजुकेशन अबाउट डिफरेंट थिंग्स. अगर हम स्टडी के लिए जा रहे हैं तो वी आर ऑब्वियसली गोइंग फॉर द साइंटिफिक स्टडी, बट साइंटिफिक स्टडी के लिए हम एक पर्टिकुलर पार्ट में जाते हैं. बट फॉर रिक्रिएशन वी कैन गो टू एवरी पार्ट ऑफ द म्यूजियम. Herbarium, collection of dry, pressed, and mounted plants on a herbarium sheet. मेरे पास एक प्लांट है, उसको मैंने क्या कर दिया, ड्राई कर दिया. ड्राई कैसे करूंगी, सन ड्राई करके या हीट ड्राई करके. हीट ड्राई नहीं करते हैं क्योंकि हीट से समटाइम्स हमारे जो टिश्यूज हमें चाहिए होते हैं ना वो भी खराब हो जाते हैं, इसलिए सन ड्राई करते. Suppose करो ये this is my plant. I'm having this plant. ये plant है मेरे पास, ठीक है. इस plant को मैंने क्या कर दिया, sun dry कर दिया. Sun dry करने से am I sure कि 100% इसका moisture निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा. तो उसको क्या करते हैं, press करते हैं. Pressing का क्या मतलब होता है कि newspaper sheets लेते हैं, न्यूज़पेपर की शीट्स के अंदर उसको प्रेस करते हैं ताकि सारा मॉइस्चर है वो न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब करे. सारा जितना भी मॉइस्चर है वो न्यूज़पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राई इट फॉर सम टाइम लाइक मे बी फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिमेन वी आर टेकिंग. देन प्रेस इट फॉर सम टाइम ऑल्सो कैन वेरी फ्रॉम डे टू वीक. एंड देन वी माउंट द प्लांट्स ऑन अ हर्बेरियम शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ड्राई करके फिर उसको हम माउंट कर देते हैं. ड्राई करने से क्या होता है, ड्राई करने से कोई भी लिविंग चीज है उसके डीकम्पोज होने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है.
अगर मैंने ड्राई कर दिया, उसमें से सारा मॉइस्चर निकल गया, फंगस अटैक नहीं कर पाएगी, बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएंगे, ओनली डेड टिश्यूज रह गए, डेड टिश्यू पे तो कोई भी हार्म नहीं करता। प्रेस एंड माउंट, प्रेस करने का क्या फायदा होता है कि हम हीट ड्राई नहीं कर रहे हैं, हम बॉयल नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसके उसके जिससे उसके नेचुरल पैटर्न्स पे इफेक्ट पड़े। लीव्स हैं जैसे के जैसे हैं वैसे पड़े, ब्रांचेस हैं जैसे के जैसे हैं वैसे पड़े हैं, बस हमने क्या किया, सिर्फ मॉइस्चर निकाल दिया, उसको प्रेस कर दिया, ठीक है, ताकि उसका पैटर्न जो है पैटर्न प्रिजर्व्ड रहे एंड हम उसको डिटेल स्टडी कर सकें। हर्बेरियम शीट इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली 29 सेंटीमीटर इंटू 43 सेंटीमीटर की होती है हर्बेरियम शीट, 29 इन द ब्रेथ इन द लेंथ एंड 43 इन द ब्रेथ। बेसिकली वो डिपेंड कर रहा है हमारे स्पेसिमेंस के ऊपर कि हम किस टाइप के स्पेसिमेन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। बट नॉर्थ अमेरिका में इसका साइज स्लाइटली बिल्कुल स्लाइटली वेरिड है, दैट इज 49.15 सेंटीमीटर है 43 सेंटीमीटर की जगह। ओके, हर्बेरियम क्या करते हैं, जैसे कि देखो हर्बेरियम इज अ वेरी यू नो इजी, कई बार म्यूजियम्स नहीं होते हैं, कई बार जूलॉजिकल गार्डन एंड बोटैनिकल गार्डन्स नहीं होते क्योंकि दूर जाना पड़ता है हमें, ठीक है, कई बार इतना बजट नहीं होता है हमारा, इतनी नीड नहीं होती है, तो हर यूनिवर्सिटी में हर कॉलेज में हर्बेरियम्स तो हो ही सकते हैं। जिस स्टूडेंट ने जिस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया उसने उसका हर्बेरियम बना के रख दिया, अगर मुझे उसको दोबारा से पढ़ना है तो मैं हर्बेरियम में जाऊंगी, हर्बेरियम में जाके मुझे उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी देखने को मिल जाएगी एंड उसकी ब्रीफ टैक्सोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे उन्होंने दे रखी है इन द राइट एंड इन द लो, राइट एंड लो में उसकी क्या है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी जाती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किस चीज की दी जाती है, लेट मी टेल, ये है हमारा हर्बेरियम ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी का ये यहाँ पे हर्बेरियम है। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने थोड़े से प्लांट्स प्रिजर्व किए हुए हैं इनसाइड द फॉर्मेल्डिहाइड, ये चीजें हर्बेरियम में नहीं इंक्लूडेड होती हैं। हर्बेरियम तो ये है, ये आपको दिख रहे हैं ना, दीज लीव्स, लीव्स प्रिजर्व्ड हैं, दीज आर ऑल्सो द स्पेसिमेंस दैट आर रिजर्व्ड, ये सारे जो इन लाइन लगाए हुए हैं दीज आर द हर्बेरियम्स, ठीक है, एंड ये चीज आपको दिख रही है, दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्पेसिमेन जो दी हुई है वहां पे। वहां पे क्या क्या कुछ लिखना होता है हमें, द साइंटिफिक नेम, द कॉमन नेम और द लोकल नेम, लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर इंडिया में वो चीज है तो हिंदी हिंदी नेम होगा, ठीक है, ये लोकल नेम इंग्लिश भी हो सकता है हिंदी भी हो सकता है, बोथ हो सकता है, ठीक है, अगर जापान और जर्मनी की बात करेंगे मे बी उन्होंने इंग्लिश नेम नहीं ना लिखा हो, ओनली जापानीज नेम ही लिखा हो। कलेक्ट किने किसने किया, कलेक्शन की डेट क्या थी और किसने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, हो सकता है जिसने कलेक्ट किया उसने ना आइडेंटिफाई किया हो, आइडेंटिफिकेशन में मे बी द प्रोफेसर इज हेल्पिंग और एनी अदर कलीग इज हेल्पिंग, ठीक है, कलेक्शन डेट एंड नंबर, उस डेट को आपने कितने स्पेसिमेन कलेक्ट किए, ठीक है, तो उसके नंबर, सपोज करो एक डेट में मैं काम कर रही हूँ, मेरी एग्जाम चल रहे हैं तो मैं किसी फ्री वाले दिन ही जाऊंगी, उस दिन जाके मैंने बहुत सारे स्पेसिमेन इकट्ठे कर लिए, तो उसको उस अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं हमारी डेट क्या थी एंड वो नंबर क्या था, ठीक है। हर्बेरियम इज ऑल्सो वेरी गुड टेक्सोनोमिक एड जो हमारी रिसर्च में हेल्प कर सकती है। नाउ की क्या होती है, की होती है रास्ता जाने का, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास कोई प्लांट है, इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो टू द डेफिनेशन, अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स और द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कपलेट। देखो की क्या होता है, की होता है सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट, ऑल्टरनेट क्या होती है, सपोज करो इफ वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव, बेसिकली ऑपोजिट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट बोल देते हैं,
ठीक है, सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें, और जो स्टेटमेंट्स के पेयर होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कपलेट, कलेक्टिवली हम बोलते हैं इसको कपलेट, क्योंकि ये कपल है, ये कपल है ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसमें से जो मैंने सिलेक्ट की उसको बोलते हैं लीड। सपोज करो कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने जो स्टेटमेंट सिलेक्ट की वो उसकी लीड है। सपोज करो वही कपलेट पे मैंने काम किया और मेरी लीड डिफरेंट है, तो दैट इज लीड फॉर मी। फॉर एवरी पर्सन लीड इज डिफरेंट। ओके, नाउ सी, हम की के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। प्लांट्स, सपोज करो प्लांट्स की मैंने एक की उठा ली, ठीक है। प्लांट्स में नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ, ये तो की है जो किसी ने लिखी हुई है कि मेरे पास ये करके मैं ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचा। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि प्लांट्स है, प्लांट्स में नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ। अगर मैंने नैरो लीफ सिलेक्ट किया है तो मैं सेकंड कपलेट पे जाऊंगी, अगर ब्रॉड लीफ है तो थर्ड कपलेट पे जाऊंगी, ठीक है। सपोज करो अगर मेरी है नैरो लीफ तो मैं सेकंड कपलेट पे गई, ठीक है। सेकंड कपलेट में क्या था, बेल लाइक फ्लावर और टेम्पलेट लाइक फ्लावर। बेल लाइक फ्लावर के लिए क्या है, ब्लू बेल। अब मैं गई ब्लू बेल पे एंड ये क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया। इस केस में मेरी ये वाली लीड थी नैरो लीफ, इस केस में मेरी ये वाली लीड थी बेल लाइक फ्लावर, एंड देन आई रीच द कंक्लूजन। इस टाइप से एक की ने मेरी हेल्प कर दी, क्या हेल्प कर दी, टू रीच द कंक्लूजन एंड टू आइडेंटिफाई माई नीडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हो सकता है सेम थिंग कोई और करे, नैरो लीफ तो दोनों की लीड हुई, हम नैरो लीफ हम दोनों की लीड हो गई, लेकिन किसी की लीड हो गई बेल लाइक फ्लावर और किसी की लीड हो गई ट्रम्पेट लाइक फ्लावर। तो दैट इज द लीड डिफरेंस, की लीड एक की ऐसी एक की दूसरे की चेंज हो सकती है फॉर द सेम कपलेट। ओके, लाइक दिस। नाउ ये है मैनुअल, बॉटनी प्रैक्टिकल मैनुअल, तमिलनाडु बोर्ड, एंड दिस इज अ मोनोग्राफ। ये हमारे दो और टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। ये क्या है, लेट अस रीड द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट अ सिंगल टैक्सॉन इज इंक्लूडेड इन द मोनोग्राफ। टैक्सॉन मतलब कैटेगरी, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। मोनोग्राफ ऑफ जीनस सेबेशिया, ये समझ आ गया वो आपको कि जीनस जो है वो एक टैक्सॉन है एंड सेबेशिया क्या हो गया, टैक्सॉन एट द जीनस लेवल, ठीक है। सेबेशिया इज अ टैक्सॉन एट द जीनस लेवल। दिस इज द मोनोग्राफ गिविंग द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द जीनस सेबेशिया। इसी जगह पे अ मोनोग्राफ ऑफ ऑर्डर प्राइमेटा हो सकता था, मोनोग्राफ ऑफ क्लास ममेलिया हो सकता था, तो वो भी क्या है, मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ का मतलब क्या हो गया, मोनोग्राफ मींस अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टैक्सॉन, ठीक है। Now, manual consists of detailed information for identification of species found in an area. समझ आ गया? अब ये क्या है? Botany practical manual, Tamil Nadu government. जितनी भी species हैं, चाहे plant species है, चाहे animal species है, जिस बंदे ने ये खरीदी है, जिस student ने ये खरीदी है, वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देगा एवरी प्लांट एंड एनिमल ऑफ अ स्पीशीज के बारे में। यहाँ पे वो लिख देगा मैनुअल, ठीक है।
प्रैक्टिकल मैनुअल है तो वो करके लिखेगा, या किसी की मैनुअल प्रैक्टिकली लिखी हुई हो सकती है हम पढ़ सकते हैं, या इट कैन बी अ पब्लिश्ड बुक। बुक की हेल्प से हम, सपोज करो अगर मुझे तमिलनाडु जाना है रिसर्च करने के लिए, मैंने चूज कर लिया तमिलनाडु एज अ एरिया कि हाँ मैं अपनी नेक्स्ट रिसर्च है जो तमिलनाडु में जाके करूंगी, तो वो कैसे होगा? मुझे नॉलेज तो हो उस वहां पे क्या एनवायरमेंट है, वहां पे क्या क्लाइमेट है, वहां पे की स्पीशीज कौन से मिलते हैं, ठीक है, वहां पे कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो की स्पीशीज के बारे में मुझे नॉलेज है भी या नहीं है, उस टाइप के क्लाइमेट में रहने के लिए क्या क्या कुछ मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, लाइक दिस। ये कैसे? मैनुअल पढ़ूंगी मैं वहां का कोई, और वहां से कोई स्पीशीज ढूंढ लूंगी, वहां से मुझे स्पीशीज की नॉलेज भी हो जाएगी, उनकी हैबिटेट की नॉलेज भी हो जाएगी, उनकी लोकेशन की नॉलेज भी हो जाएगी, उनकी रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव ऑर्गन्स की भी नॉलेज हो जाएगी, एंड एवरीथिंग विल बी डन इन दिस वे। नाउ वेरी सिंपल, जो आपने बचपन से पढ़ी है, बचपन से जो आप पढ़ रहे हो वो है फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स, एंड फौना का मतलब है एनिमल्स। रिसर्च वर्क मिला है या मैंने किसी स्टूडेंट को दिया हॉलीडेज होमवर्क, hey you bring the flora of your locality, uski locality mein jitne flora milenge, jitne plants present hai, kahan pe present hai, kaise present hai, kis halat mein present hai, kitni age hai, kitni bar reproduce karte hain, kaise characteristics hai, both morphology and anatomy, wo sara kuch mujhe bataye। aur ek dusra student hai fauna, fauna में वो सब कुछ लेके आएगा, birds हो गए, animals हो गए, birds हो गए, animals हो गए, like mammals, basically animals के बारे में I'm talking, insects हो गए, earthworm वगैरह जो भी सब मिल रहा है, सब कुछ एक lizard से लेके एक चींटी तक की knowledge fauna में होती है, okay? Flora and fauna, the plants of an area with its actual account of habitat and distribution। कैसा habitat है? हैबिटेट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सपोज करो एक प्लांट है, वो प्रेजेंट होता है गर्म जगह पे, गर्म जगह पे पर छाओ में, ठीक है, छाओ का मतलब या तो नियर द लेक्स क्या है, नीचे वाली साइड जाके थोड़ी सी छाओ होती है वहां पे, या कोनों में बिसाइड्स द वॉल, है ना। प्रेजेंट गर्म जगह पे है मीन्स हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स छाओ में प्रेजेंट होता है। And the animals of one area also with its habitats and distribution. One area मिलता गर्म जगह पे है, distributed कहाँ पे होता है, dark में, मिलता ठंडी जगह पे है, but distributed कहाँ पे होता है, light में, ठीक है, this is known as fauna. अब catalogs क्या होता है, catalogs के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज कर दिया सभी स्पीशीज को, कौन से स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हो सकते हैं, दे कैन बी द लोकल स्पीशीज, दे कैन बी द फॉरेन स्पीशीज, दे कैन बी द अदर स्पीशीज, दे कैन बी द स्पीशीज ऑफ द सिटी, स्पीशीज ऑफ द लोकैलिटी, स्पीशीज ऑफ द स्टेट, स्पीशीज ऑफ द कंट्री, स्पीशीज ऑफ द यू नो पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें स्पीशीज क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं इन अल्फाबेटिकल वेज। द कैटलॉग ऑफ लाइफ इज अ कैटलॉग जिसमें सारे स्पेसिमेंस प्रेजेंट हैं फ्रॉम ए टू बी, जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी में सारे वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बट द साइज ऑफ द डिक्शनरी वैरीज अकॉर्डिंग टू नीड्स, द डिक्शनरी वैरीज। मेडिसिन के लिए हम डिफरेंट डिक्शनरी लेते हैं, मेडिकल के लिए जो मेडिकल बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं उसके लिए डिफरेंट डिक्शनरी आती है, लिटरेचर के लिए डिफरेंट डिक्शनरी आती है, है ना। साइज के अकॉर्डिंग थोड़े एसेंशियल वर्ड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल वर्ड्स एक्सक्लूडेड होते हैं, वैसे ही होते हैं कैटलॉग्स, ठीक है। कैटलॉग्स ऑफ लाइफ इज अ काइंड ऑफ कैटलॉग, इसमें सारे स्पेसिमेंस इंक्लूडेड है फ्रॉम ए टू जेड अल्फाबेटिकली विद देयर
ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो इसी से हमारा आज का जो है वो आज का हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया एंड आज हमारा जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया, द लिविंग वर्ल्ड। अब आप लोगों ने लिविंग वर्ल्ड के बारे में सारा कुछ ऐसे अच्छे से जान लिया है एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपको समझ आ रहा है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो एंड आई होप कि आगे भी आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे। सो थैंक यू।